हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टोमेटो सूप की रेसिपी और कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो रेस्टोरेंट में टोमेटो सूप को बनाते समय यूज किए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और इसमें हम ना कोई फूड कलर यूज करेंगे और ना उसको थिक करने के लिए ना कोई फ्लॉर, फिर भी हमारा टोमेटो सूप बहुत ही टेस्टी बनेगा। और मैं कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगी जो आपके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए ये इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर हमें टमाटर सूप बनाने के लिए ये वेजिटेबल्स चाहिए। टमाटर है 6, एक आलू, चुकंदर, प्याज, गाजर, 2-3 लहसुन, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और तेज पत्ता। और ये मसाले हम यूज करेंगे जीरा, काली मिर्च, शक्कर, काला नमक और नमक। तो यहाँ पर मैंने आलू का यूज करा है। टमाटर सूप जो है इससे ठीक बनेगा, तो हमें एक्स्ट्रा जो है कुछ ऊपर से कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने यूज किया है चुकंदर, जिससे कि क्या होगा कि जो टोमेटो सूप बनेगा उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और हमें कोई फूड कलर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें रफली जो है चॉप कर लेते हैं वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल को चॉप कर लिया है। आलू, चुकंदर और गाजर की साइज आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। अब इसे हम बनाएंगे कुकर में। कुकर में बनाने से क्या होगा कि जो इसकी स्टीम है वो उसके अंदर ही रहेगी, तो इसका टेस्ट और ज्यादा इनहेंस होगा। इसमें अब डाल देते हैं 1 चम्मच घी, आप इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। और अब ये डाल देते हैं 1 तेज पत्ता, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और अब डाल देते हैं लहसुन अदरक कटा हुआ। और अब इसमें डाल देते हैं प्याज, गाजर, चुकंदर, आलू, सभी वेजिटेबल्स डाल देते हैं, सिर्फ हम टमाटर को भी नहीं डालेंगे। अब इसे 3-4 मिनट तक के लिए भून लेते हैं, फिर हम टमाटर डालेंगे। अब डाल देते हैं टमाटर को भी और डाल देते हैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच नमक और डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच शक्कर। और अब डाल देते हैं 1 बड़ा कप पानी। आप चाहे तो सिर्फ टमाटर का यूज करके भी टमाटर सूप बना सकते हैं, पर दूसरी वेजिटेबल का यूज करने से ये और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा और ज्यादा टेस्टी भी। और अब कवर कर देते हैं और अब इसको 4 सीटी आने तक पकने देते हैं। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं हमारे क्रूटॉन्स की। क्रूटॉन बनाना भी बहुत ही इजी है। टमाटो सूप के साथ अगर क्रूटॉन आप लेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। सिर्फ हमें इसके लिए चाहिए ब्रेड। तो यहाँ पर मैं 2 ब्रेड का यूज कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैं कॉर्नर्स को इसको हटा रही हूँ, आप चाहे तो रहने दें। और इसे आप स्क्वायर शेप में काट लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है, ये गर्म हो चुका है, मीडियम हॉट हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं सभी ब्रेड को और अब इसे लो फ्लेम पर इसे तल लेते हैं। बिल्कुल 1 या 2 मिनट लगेगा आपको उसको तलने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे ये ब्राउन होने लगे आप इसे निकाल लें। अगर आप ज्यादा कैलोरी नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मल पैन पे थोड़ा सा बटर या तेल से इसे रोस्ट कर लें, क्रिस्पी कर लें उन्हें, तब भी ये अच्छे से बिल्कुल बन जाएंगे। ये लीजिए हो गए हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो ये बन गए क्रूटॉन। और ये देखिए हमारी सीटी भी आ गई है। अब गैस को बंद कर देते हैं, 4 सीटी हो चुकी है। और इसे अब बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। ये लीजिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है कुकर, तो अब इसे खोल लेते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से सभी वेजिटेबल पक गई है। अब इसके पानी को छान लेते हैं, इससे पीसने में हमें आसानी हो। और ये गाढ़ा जो वेजिटेबल्स बची है इसे अब मिक्सर पॉट में डाल लेते हैं। और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है और इसे अब मैं पीस लेती हूँ। ये लीजिए पिसा गया है। और ये देखिए वाह कितना अच्छा इसका कलर आया है, कितना इंटेंस रेड कलर है ये।
और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए कितना अच्छा ठीक बना है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इसे भी आप छान लेते हैं, और कुकर में मैंने जो पानी छाना था वो भी डाल दिया है, और अब इसमें ये भी छान लेते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि टमाटर की जो स्किन है और उसके बीज है वो उसमें जाए, इससे सब छान कर अलग कर देते हैं। ये लीजिए, अब ये छन गया है, तो अब इसे हम फिर से गैस पर रख देते हैं और ओपन लिए इसे अब थोड़ा सा और उबाल लेते हैं 4-5 मिनट तक के लिए। थोड़ी गैस की फ्लेम मैंने तेज कर दी है कि एक बार इसमें उबाल आ जाए, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। देखिए अब थोड़ा उबलने लगा है, ये एक उबाल आ चुका है, तो गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देते हैं और इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा सा बढ़ जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी और डाल लें और उसको थोड़ा और उबाल लें। और अगर आपका पतला हो गया है, अगर आप आलू नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कॉर्नफ्लोर जो है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लीजिए और 4 चम्मच पानी में आप उसे घोल लें, और फिर जब आप इस टाइम उबालेंगे तब उसको डाल के हिला लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा बना है ये, इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है, तो उसका टेस्ट तो वाकई बहुत ही लाजवाब होने वाला है। ये तो बन चुका है हमारा टोमेटो सूप, ये देखिए चम्मच से मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए बहुत ही सही इसकी कंसिस्टेंसी है, ना बिल्कुल पतला है ना बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा है। इसको सिर्फ मैंने 5-6 मिनट उबाला है और उसमें ही बहुत अच्छा ही तैयार हो गया है। इसको मैं बंद कर देती हूँ, अब इसको निकाल लेते हैं बाउल में, गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे बिल्कुल। और इसमें आप क्रूटॉन भी रख देते हैं, अब इसे थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ आप क्रीम होता आप क्रीम से डेकोरेट कर दें, और नहीं तो आप ताज़ा मलाई लें, ताज़ा मलाई को थोड़ा सा आप फेंट लें हल्का सा, और बस उसका यूज़ करके आप उसको भी डाल सकते हैं ऊपर डेकोरेट करने के लिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है हमारा टोमेटो सूप, बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट का जो टोमेटो सूप का टेस्ट होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये आपको। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और सर्दी में बिल्कुल गर्मा गर्म सूप का मज़ा लीजिए। और टमाटर में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, सी, बी, और भी ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। प्रेग्नेंट वुमन को टमाटर जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है, और जो लोग धूम्रपान करते हैं और उनकी वजह से जो बीमारी होती है उसको भी ये रिकवर करने में बहुत मददगार साबित होता है, और दिल की बीमारियां जो होती है उनको होने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, त्वचा और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और इससे हड्डियां मजबूत होती है, और कैंसर से जो सेल्स बनते हैं उसमें भी ये उसको बढ़ने में रोकता है। तो ऐसे कई सारे इसके गुण होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो इसे आप अपने डेली डाइट्स में जरूर शामिल कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू।